नमस्कार, मैं उप्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार के सभी जिलों में जल्द ही खुलेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बीते दिन समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया था, जिसमें उन्होंने विश्वेश्वरैया भवन सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया था। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, सिम्युलेटर स्कीम, बस स्टॉप, RCDL और लोड सेफ्टी से संबंधित विषयों पर बिंदुवार समीक्षा भी इस दौरान करवाई गई। विभाग द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विषयवार प्रस्तुति की गई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 30,051 लोगों को रोजगार दे दिया गया है और अगले 3 महीने में 12,500 और लोगों को लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। शीला कुमारी ने आगे कहा, परिवहन विभाग वर्तमान समय की मांग के अनुसार चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सतत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सीजन के पहले घने कोहरे की चपेट में लिपटी राजधानी, ठंड का असर बिहार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पटना में विजिबिलिटी सुबह 7 बजे तक 200 मीटर देखने को मिली, वहीं रात को यह घटकर 100 मीटर से भी कम हो गई, जो कि इस सीजन का सबसे न्यूनतम स्तर रहा। सुबह 8 बजे तक यह 800 मीटर तक पहुंच सका। धुंध का आलम यह रहा कि दोपहर 12:30 बजे के बाद बीते दिन विजिबिलिटी 1000 मीटर तक देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो लगातार बह रही दक्षिणी पूर्वा हवा के प्रवाह से काफी मात्रा में नमी आ गई थी, जिस कारण आर्द्रता बढ़ती गई। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की स्थिति का जायजा लेने का काम हुआ शुरू। कोरोना से प्रभावित जिलों की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रशासन एक बार फिर से नए सिरे से अपनी तैयारियों को शुरू कर रही है। वर्तमान समय में देखें तो बिहार के जिलों में सबसे ज्यादा राजधानी पटना प्रभावित है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की पहल शुरू कर दी है, जिसके तहत अब कोरोना प्रभावित जो कि होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, वैसे मरीजों की स्थिति का जायजा लेने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस बाबत जिलाधिकारी कुमार रवि ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि टीम बनाकर मरीजों की स्थिति का जायजा लेने के लिए इलाके में भेजे, ताकि संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सके। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिचौलियों के घबराने की कही बात। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भारत बंद के समर्थन में उतरे राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कृषि कानून से वे लोग परेशान हैं जिन्हें किसानों से अधिक बिचौलियों की चिंता है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि जो लोग कृषि कानून के विरोध में दिल्ली को घेर कर खड़े हैं, वो दरअसल बिचौलियों के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसान भरोसा रखे कि इन कानूनों के लागू हो जाने से किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी और देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ता ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कानून किसानों के समर्थन में पेश किया है, विपक्ष केवल राजनीतिकरण के लिए ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का मूल्यांकन शुरू होगा फरवरी से। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा और मैट्रिक 2021 की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए जिला मुख्यालय में केंद्र का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करवाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों परीक्षाओं के लिए कुल मिलाकर 7 मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। बिहार बोर्ड की माने तो इंटर का मूल्यांकन 26 फरवरी 2021 से और मैट्रिक का मूल्यांकन 5 मार्च 2021 से शुरू होने की संभावना है। मूल्यांकन केंद्र को लेकर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र में बोर्ड ने सभी जिलों से मूल्यांकन केंद्र निर्धारित करने का निर्देश दिया है। मूल्यांकन केंद्र निर्धारित करने के बाद केंद्र की सूचना बोर्ड के पास भेजनी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा और विवेक यादव की। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म आज ही के दिन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा एक भारतीय फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ है। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहने के अलावा वे केंद्रीय बिहारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और शिपिंग अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे। वो 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2016 में उनकी जीवनी एनीथिंग बट खामोश का शीर्षक जारी किया गया था। विवेक यादव एक भारतीय क्रिकेटर है जो राजस्थान के लिए प्रथम श्रेणी लिस्ट ए और T20 मैच के लिए खेल चुके हैं। वो एक प्राथमिक गेंदबाज हैं जो लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। कोरोना की चपेट में अब आया क्रिसमस सेलिब्रेशन। कोरोना का प्रभाव अब क्रिसमस सेलिब्रेशन पर देखने को मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार लोग अब कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्रिसमस पर आयोजित होने वाली विशेष प्रार्थना को धर्मगुरुओं द्वारा व्हाट्सएप पर ही भेजा जाएगा। इसको लेकर तमाम चर्चों की तरफ से कई व्हाट्सएप ग्रुप का गठन किया गया है। इससे भक्तों को चर्च आने की जरूरत नहीं होगी और प्रार्थना सभा में शामिल होने का मौका भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार क्रिसमस पर प्रार्थना के लिए पर्ची या पैम्पलेट नहीं बांटे जाएंगे। डिजिटल रूप से ही सारे कार्यक्रम पर जोर दिया जाएगा। अब बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट। बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इस प्रस्ताव को नियम बनाकर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। MVI के त्रिपाठी ने बताया है कि सोमवार को परिवहन मंत्री शीला कुमारी और परिवहन सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया है।
उन्होंने कहा कि अभी लोगों को इस विषय में जानकारी दी जाएगी और उन्हें जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही वाहन चेकिंग में लगे पुलिसकर्मियों को भी इस कानून के विषय में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर बैठक कर सब कुछ तय किया जाएगा। जदयू नेता नीरज कुमार ने पत्र लिखकर पूछा सवाल। किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग देने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जदयू के वरिष्ठ नेता ने निशाना साधा है, जिसके तहत बीते दिन बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करने वाले राजद के नेता तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखे। इसके बाद ही उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधा, जिसके तहत जदयू के नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को पत्र लिखकर तेजस्वी यादव के बारे में पूछा कि बताएं वो कहां है। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि होटवार इंजन में से संचालित राष्ट्रीय जनता दल और उनके लालू प्रसाद जी से आग्रह है कि वो बताए तेजस्वी यादव कहाँ है। डोबी पटना हाईवे मामले में हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। डोबी पटना राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण के लिए हाईकोर्ट ने दखल अंदाजी की है। डोबी पटना राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा देने के लिए क्या धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उसकी पूरी जानकारी पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में मांगी है। इस बाबत चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने संबंधित जिलाधिकारियों को यह बताने को कहा था कि मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के मामले पर क्या कार्रवाई हुई है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आज करेंगे पांच देश रत्न मार्ग में गृह प्रवेश। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बंगले को खाली करने के बाद नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पांच देश रत्न मार्ग में आज गृह प्रवेश करेंगे। बता दें, इस बंगले को लेकर काफी राजनीति बीते दिन हो चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा के निर्वाचन के बाद ही अपना सरकारी बंगला पांच देश रत्न खाली कर दिया था। अब यह बंगला बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को आवंटित दिया गया है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के बाद सुशील मोदी इस बंगले में रहने आए थे, वहीं अब उनके बाद तारकिशोर प्रसाद इस बंगले में रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने अपने प्रस्तुतिकरण में तीसरी बैठक के अवधेश एवं अनुपालन की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने लैंड रिकॉर्ड, लैंड सर्वे एवं सेटलमेंट के संबंध में किए जा रहे कामों में प्रगति की जानकारी दी है। इसके साथ ही ऑनलाइन म्यूटेशन, स्पेशल सर्वे अभियान, बसेरा ऑपरेशन, भूमि दखल दाहिनी की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी दी गई है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर तेजस्वी पर साधा निशाना। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भारत बंद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारत बंद के दौरान बिहार में किसान कहीं सड़क पर नहीं दिखे। बिहार की जनता ने सिरे से बंद को नकार दिया, जो न किसान का था, न किसानों के लिए था और न असली किसानों की भागीदारी से संचालित था। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों पर सुशील मोदी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि चुनावी हार का बदला लेने के लिए कुछ एक स्थानों पर जबरिया लाठी के बल पर बंद कराया गया। इस बाबत उन्होंने बीते दिन ट्वीट कर कहा कि राज्य के किसान किसान सम्मान योजना और आय दोगुनी करने में सहायक कृषि कानून से संतुष्ट है। बंद के दौरान विपक्ष के नेता दिल्ली में छुट्टी मना रहे थे, इससे जाहिर है कि वे इस मुद्दे पर गंभीर नहीं थे। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी उर्वशी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का कई बॉलीवुड सेलेब्स ने समर्थन किया है। अब किसानों के समर्थन में उर्वशी रौतेला भी उतर आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें वो किसानों के साथ नजर आ रही हैं। उर्वशी की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। फोटो में उर्वशी रौतेला किसानों के साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने हाथ में प्ले कार्ड पकड़ रखा था, जिस पर लिखा है, हमें किसानों के साथ दिल्ली जाना चाहिए। उर्वशी रौतेला ने किसानों को लेकर लिखा है कि किसानों के बिना भोजन और अन्य बुनियादी चीजें हमें नहीं मिल सकती हैं। कृषि जीवन के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। किसान को हमारे सम्मान की जरूरत है। विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। भारत के लिए 17 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वहीं पार्थिव पटेल ने जब भारत के लिए डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र महज 17 साल थी। आपको बता दें, पार्थिव पटेल भारत के सबसे युवा विकेटकीपर हैं। 35 वर्षीय पार्थिव पटेल ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे इंटरनेशनल और 2 T20 मैच खेले हैं। घरेलू क्रिकेट के 194 मैचों में उन्होंने गुजरात का प्रतिनिधित्व किया था। इस साल दुबई में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग में वो विराट कोहली के नेतृत्व वाले बैंगलोर टीम का हिस्सा थे। पिछले कुछ सालों से पार्थिव पटेल कमेंट्री भी कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार किसानों की मांग सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।